नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। कर्नाटक के दलित पिछड़े वर्ग समुदायों के संतों ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के लिए बिना शर्त नैतिक समर्थन की घोषणा की। कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन को जेल में विशेष सुविधा देने के मामले में सरकार सख्त, जेल के सात अधिकारी निलंबित, अधीक्षक का किया गया तबादला। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन लिस्ट जारी की। JNK में उम्मीदवारों की लिस्ट फिर से जारी करेगी बीजेपी, आज ही सुबह घोषित किए थे 44 नाम। गृह मंत्रालय ने लद्दाख में बनाए 5 नए जिले। BSP के आत्मसम्मान का फैसला, अटल राजनीति से संन्यास लेने का कोई सवाल नहीं मायावती। JNK विधानसभा चुनाव बीजेपी ने बिलावर सीट से निर्मल सिंह की जगह सतीश शर्मा को दिया टिकट। कोलकाता कांड, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष CBI ऑफिस पहुंचा। दिल्ली में अवैध पेड़ कटाई पर विवाद, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ELG को दी खुली चर्चा की चुनौती। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 44 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। JKNC से सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए KC वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद और भारत सोलंकी श्रीनगर के लिए रवाना। 1995 में कांग्रेस के लोग कहां थे जब सपा ने मुझ पर हमला कराया था, बोली मायावती। गुजरात में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की आशंका, IMD ने जारी किया अलर्ट। BSP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, कल मायावती फिर से चुनी जा सकती है राष्ट्रीय अध्यक्ष। नांदेड़ से कांग्रेस सांसद वसंतराव चौहान का निधन, हैदराबाद के हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज। IMD ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी दी। JMM के बागी चंपाई सोरेन कोलकाता पहुंचे, सुबह दिल्ली आकर बीजेपी के आला नेताओं से मिलेंगे। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग पैनल आज विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को करेगी शॉर्टलिस्ट। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का सिंगापुर में आज दूसरा दौर। रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया। तालिबान ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के गाने और पढ़ाने पर लगाया बैन। बांग्लादेश में फिर शुरू हुआ प्रोटेस्ट, झड़प में 40 लोग घायल। अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडल ईस्ट में तैनात रहने का निर्देश दिया। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।